हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखो बस एक एक निवेदन कर देता हूँ, मैं बहुत देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो लोग जा रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, आप मेरे दिल को तोड़ते हुए जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मत जाना, आपको सुनाने के लिए भैया ने कह दिया आधे घंटे में समाप्त होगा। बिल्कुल, आप 5-10 मिनट बैठ जाइए और भगवान आपके बच्चे सुखी रखेंगे। बैठ जाइए, ब्राह्मण आदमी आशीर्वाद के लिए क्या देगा, बैठ जाइए। नई बातों को बड़े अर्थों में सजा देता है, ये वो पौआ है जो बोतल का मजा देता है। ये हमारे दिनेश बाबरा ने जिस सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की गति से काव्य पाठ किया, एक बार चाहता हूँ दोनों हाथ उठा करके एक बार इसके लिए, इस मेहनत की मेहनत के लिए तालियां बजाइए। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रहूंगा, मैं आपके बीच मुश्किल से 20 मिनट रहूंगा, क्योंकि जो समय अवधि है उस समय अवधि का मैं अनुशासन से पालन करूंगा। ये हमारे आज के फिल्मों के सुपर स्टार हैं, फिल्म क्लाइमेक्स तक आ गई है, मैं बस बीच में फंसा हुआ एक छोटा सा विज्ञापन हूँ। एक कविता सुनाऊंगा और इस मोहल्ले को खास तौर पे जो युवा बैठे हैं मैं आपको सैल्यूट करता हूं। क्या बात है, अद्भुत सुना है भाई, बधाई। बस एक बार थोड़ी ऊर्जा, एक बार पूरी ऊर्जा, क्योंकि अब हम अपने कवि सम्मेलन के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार जरा अपनी ऊर्जा बताएं, कितनी ऊर्जा बची है ताकि मैं अपनी ऊर्जा आप तक पहुंचा सकूं। क्या बात है, वाह शंभू। इसे कहते हैं बिहार। वाह वाह वाह। हालांकि मैं भी बिहार में ही पैदा हुआ हूँ। नहीं नहीं अभी मत बजाओ, आनंद बिहार में एक हॉस्पिटल है उसमें पैदा हुआ था। और अब तक के कवि सम्मेलन की सर्वाधिक तालियां अगर किसी के लिए बजनी चाहिए तो वो है मेरा भाई शंभू शिखर, जिसने पूरी दुनिया में बिहार का जो गान किया है। एक बार जरा भरपूर तालियां हमारे प्रिय भाई शंभू शिखर के लिए होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, अब बैठ जाओ। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार सफल कवि सम्मेलन श्रद्धेय जगदीश जी को मैं प्रणाम करता हूं और डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूं। हम चाहे कितने भी चुटकुले कह दें, आपने जो काम किया है, किसी सूनी गोद में अगर आपने एक बच्चा दे दिया है तो मुझे पता है उस पूरे परिवार को आपने कितना कितना आनंदित किया होगा। ये डॉक्टर साहब मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे भी परिवार में मेरे भाई के बच्चे नहीं थे। 17 साल उसने जिस पीड़ा को सहाया है, मैंने अपनी बेटियों का जन्मदिन नहीं मनाया कि उसको दुख ना हो। क्या बात, आप लोग वो सुख देते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ मन से। एक बार तालियां जरा भरपूर दे दीजिए, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। वाह स्वागत। देखो जी, बहुत बिहार का आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत शानदार आदमी होता है। हमारे शंभू शिखर और हम ट्रेन से आए, पटना स्टेशन पे उतरे तो दो बिहार के लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। तो मैंने कहा यार बिहार का इम्प्रेशन ठीक नहीं पड़ा, शंभू भाई तुम ब्रांड एम्बेसडर हो यहाँ के, ये दोनों आदमी एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, इनको समझाओ यार। कहने लगे यार छोड़ होने दे चल। मैं कहने नहीं समझाओ। तो ये गए, इनने उन दोनों को समझाया, तब जाके उनमें मारपीट शुरू हुई। ये है बिहार यार, क्या कहने, अद्भुत काम है। मैं राजनीतिक घटनाओं का चित्रहार हूँ, बहुत छोटा सा चित्रहार हूँ, और बिहार आने पर इसलिए खुश हो जाता हूँ कि मैं अपनी बिहारी गानों की पैरोडी सुना देता हूँ। वाह, तो 2-4 वो भी सुना दूंगा। मैं शुरू करता हूँ। अब कुछ दिनों पहले आपने देखा चिदंबरम जी अंदरम, सब सुनाऊंगा। चिदंबरम जी अंदरम हुए तो पैरोडी बाहर आ गई। मैं शुरू करता हूँ पहली पंक्ति से, मेरे हो जाना, एक बार मेरे हो जाना, मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ आपके बीच सौंप करके जाऊंगा। सुनना, सुनिए। कि जो भी भ्रष्ट है, बहुत अच्छा, बस ऐसे ही, बहुत अच्छा, ऐसे ही सुनना। वो क्यों बाहर है, आना अंदर है, तो भागो बचकर देखो, शाह के हाथ में हंटर है। अब शुरू करना। शाह के हाथ में हंटर है, चिदंबरम अंदरम, साथ हो जाइए, चिदंबरम अंदरम, अब किसका है नंबरम, जो भी भ्रष्ट है
वो क्यों बाहर है, आना अंदर है। चिदंबरम, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्या कहने कि 24 घंटे सबने खोजा, मिला ना लुंगी वाला। इतने घोटाले जगजीत जी उन्होंने तब कर दी जब लुंगी में जेब नहीं होती। और मिला अंततः मुख्यालय में, प्रगट भये गोपाला। वाह। सीबीआई धरणम चिदंबरम। बहुत बढ़िया ये है, ऐसे ही सुनना है बस। अद्भुत काम है, हम जिसके लिए देखो टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए आदमी की। टाइमिंग परफेक्ट ना हो तो बड़े बड़े काम रुक जाते हैं, आदमी प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाता है। हाँ। हमारे हमारे राहुल बाबा क्या शानदार भाषण दिया था लोकसभा के अंदर, हिला के रख दिया। एक बार तो लगा भूकंप अभी आया, मैंने कहा ये तो प्रधानमंत्री बनेंगे। इतनी देर में हम प्रधानमंत्री बनाते, उनको अगले ने आंख मार दी। टाइमिंग गलत हो गई। अब सुनना कि झप्पी लगाए, झप्पी लगाए, ताली बजाए, झप्पी लगाए बीच सदन में, मोदी जी फंस गए बिचारे, ये क्या कर दिया रे, कि लड़का आंख मारे, आंख मारे के लड़का आंख मारे, आंख मारे के लड़का आंख मारे। जहां जहां जाए ये मोदी मोदी गाए, जितना रटाया था उतना ही गाए। 15 मिनट के एपिसोड में 14 मिनट के थे नारे, ये क्या कर दिया रे, लड़का आंख मारे के, आंख मारे पार्ट टू के, करें अखियों के वार, करें शेर का शिकार, और मारे कोट फटकार, फिर भी माने नहीं हार, मारे जोश के राहुल जी ये कहें बार बार, मेरा प्यार प्यार प्यार। वाह चौकीदार, अद्भुत काम अद्भुत देश। एक बिहारी भोजपुरिया याद आ गया, इसमें एक जगह आपको आहा और एक जगह ओहो करना है। टाइमिंग ठीक रखना, बाकी मैं बता दूंगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम अभी नहीं, के केसरिया लगा लिपस्टिक अभी नहीं, मैं बताऊंगा। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेल, योगी टॉप लागेल, कमरिया कमरिया कमरिया, अमित शाह मटका के लॉलीपॉप। और अमित शाह ने कमरिया क्या मटकाई, अमित कमरिया मटकाने वाले नहीं है, उन्होंने तो जो हंटर चलाया गजब किया। उत्तर प्रदेश में ये हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हैं, अभी कुछ दिनों पहले दृश्य देखा हमने, पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि उन बच्चों की गलती नहीं है, उनको सही समझाया नहीं गया। तो मैंने कहा देखो जी इतनी ठंड में ये लठवट मत बरसाओ, ये बच्चे हैं, इनको गलत फहमी हो गई है। तो मैंने अपने तरीके से उन बच्चों का पक्ष रखा योगी जी से। कैसे रखा सुनना, आनंद में सुनना, बहुत आनंद की चीज है सुनना। वाह। मैंने कहा जी लठ मत बरसाओ, क्यों वो सुन लो। योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आह योगी जी, नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी आह योगी जी, हो ऐसी हुई पूजा, बदन सारा सूजा, और सीधी ना होवे कमरिया रे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आह योगी जी। वाह भाई, इस बालक के लिए तालियां बजाओ जरा एक बार, ये नाच भी रहा है। हो काहे मैंने रे पत्थर मारियो, मन मोर सा नचा दिया आरा रा रा रा। हो काहे मैंने रे पत्थर मारियो, मन मोर सा नचा दिया आरा रा रा रा। पंजीरी खूब बटी रे,
योगी जी आ योगी जी बड़ी ही तेज पड़ी रे, योगी जी आ योगी हो ऐसी पड़ी लठिया के भावे ना खटिया, और कर दीनी मैली चदरिया रे, योगी जी धीरे अद्भुत काम है। मेरे को एक कुछ अभी कुछ दिनों पर देखो, हमने वोट किसको दिए थे, लालू जी और नीतीश कुमार जी को, सरकार भाजपा चला रही है, ये देख करके लालू जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे जीवंत नेता अब हमारी संसद में कम है, विपक्ष में भी रहते हुए लोग दिलों को जीतने वाले नेता, बिल्कुल सही बात है, विपक्ष में रहते बात है। उनकी भी शिकायतें हैं, भोजपुरी अंदाज में सुनना, भोजपुरी अंदाज में मैं याद आ जाएगा तो सुना दूंगा, अद्भुत वो है। अभी उनकी लालटेन भुजी, उनका चुनाव चिन्ह लालटेन, और लालटेन और फिर भी इतना टेंशन, और बुझ गई क्यों बुझी सुनना, के लालटेन वा अरे लालटेन वा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, वाह, और भाजपा ने फूक दिया हायर धोखे से, लाल टेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, क्या कहने के जैसे तैसे किया था सटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया पर खेतों को, वाह हो मेरा यार रूठ गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया हाय तौबा, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, और भाजपा ने लूट लिया हायर धोखे से, लाल टेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। मैं यूपी चुनाव परिणाम की तीन छोटी छोटी पैरोडी सुनाता हूँ, और यहाँ मेरी बहुत सी बहनें बैठी है, बहुत विशेष गीत सुना करके स्थान लूंगा, लेकिन तीन पैरोडियां यूपी का चुनाव परिणाम। जब चुनाव परिणाम हुआ तो अखिलेश जी ने माया बुआ से गठबंधन किया, जब गठबंधन हुआ तो क्या गाया सुनना, बुआ के साथ साथ, थोड़ी ऊर्जा कम मत करो, देखो एक बात सुन लेना, अगर सुदीप भोला 102 बुखार में खड़ा होकर पूरी ताकत से आपको सुना सकता है तो बिहार वालों आप तो पूर्ण स्वस्थ हो जाए, पूरी ताकत से सुन लेना, बुखार में हूं कोई बात नहीं, आपकी हाँ सुनना, के बुआ के साथ साथ पिताजी संग संग, ओ हाथी चल बुआ को लेके साथ चल तू, चला ले मेरी साइकिल तू, बुआ को लेके साथ चल तू, चला ले मेरी साइकिल तू, ओ हाथी चल, वाह, और यूपी का मौसम है बड़ा सुहाना, यूपी का मौसम है बड़ा सुहाना, गठबंधन का गाए जा तराना, हो आजम चाचा बाहर मत आ जाना, पहन कर गॉगल ओ हाथी चल। अब परिणाम आ गया चुनाव परिणाम, तो यूपी में बच्चों से गलती हो जाती, गए पिताजी के पास की जी हार गए, गलती हो गई, क्या गाया सुनना, मजे से सुनना, मैं आनंद में सुनाता हूं, कि महागठबंधन रास न आया, इलारुन भी ऐसा नहीं गा रही होगी, अरे महागठबंधन रास न आया, समझ न पाया मैं बुआ की माया, आया इलेक्शन का परिणाम आया, अखिलेश भैया ने ये फरमाया, धुकपुक 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 धुकपुक, चौकीदारों के चक्कर में मेरे बंगले की टोटी खो गई, चौकीदारों के चक्कर में मेरे बंगले की टोटी खो गई, मुझको पापा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, मुझको पापा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, दुखपुक दुखपुक दुखपुक। अब देखो सबसे ज्यादा वायरल सुनाता हूँ और सर्वाधिक प्यार, और अब तक की पैरोडी में सर्वाधिक तालियां मांगता हूँ, सुनना, अब माया बुआ के क्या हाल है,
कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे। बहुत अच्छा। माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, और मोदी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, मोदी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। चाचा से रूठा हुआ था भतीजा, और बुआ को देखा तो दिल था पसीजा। अब जीजा सारे नौचत हैं बाल बाल रे, और मोदी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे। खत्म हो गई पैरोडी। क्या कहने भाई, वासुदीप वाह वाह वाह। एक कविता देखो, बैठ जाओ भैया। अरे यार तुम तो कविता सुन रहे थे, बैठो। अरे बैठ, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठा, अरे बैठो, बैठो, बैठो। अरे यार ये बिहार है, उत्तर प्रदेश थोड़ी है जो चाचा की बात ना माने। भतीजा बैठ जा, भतीजे। एक जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता बिहार में दिनकर जी के धरती पर खड़ा होकर के कविता सुनाता हूँ। स्वागत। और आप सबकी तरफ से सौंपता हूँ अपनी छोटी बहन कविता तिवारी के चरणों में कविता रखता हूँ। इस कविता को मैं कविता कह सकता हूँ। बड़े लोग बैठे हैं, श्रद्धेय जगदीश जी और भाई साहब बैठे हैं, इंदिरा आईबीएफ वाले, हमारे भाई साहब का नाम भूल जाता हूँ, अजय सिंह, अजय जी। मैं जीवन में अगर कोई कविता समाज में कोई संदेश दे सके तो मैं उसको कवि धर्म मानता हूँ। ये आपके चेहरों पर हंसी बिखेर दी। अब एक जरूरी कविता सुनाता हूं, कसम देता हूं आपको, उठना मत। हाँ। पूरे मन से सुनना। दो पंक्ति की भूमिका है, बिल्कुल दो पंक्ति की भूमिका है। पहली तो यह कि मैं दो बेटियों का पिता हूं। अच्छी कविता है। और दूसरी भूमिका यह है, अब जरा ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, इस कविता में हास्य नहीं है। दूसरी पंक्ति की भूमिका यह है कि एक दिन समाचार चैनल देख रहे थे और उसमें एक हेडलाइन चली कि अपने देश के एक हिस्से में कुल 2 महीने की बच्ची के साथ में दरिंदगी हुई। कविता की एक भी पंक्ति बहन भाई के साथ बैठ के सुन ले, पिता के साथ पुत्री बैठ के सुन ले, तमाम छोटे बड़े बच्चे सब बैठ के सुन ले। मैं दिनकर जी की वंशावली का बहुत धूल का कण भी नहीं उनके चरणों में लगा हुआ, लेकिन ये आश्वासन देता हूं बड़े लोगों के समक्ष कि कविता की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। ये कविता लिखने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी बेटियों को सुनाई थी। एक बार मुझे आदेशित करें, मैं रचना सुनाना चाहता हूं आपको। अच्छी कविता है, मैं दावे से कहता हूं। दामिनी की माँ से मिला अभी 3-4 दिन पहले, वो 7 साल से लड़ रही है। इस देश में अपराध करने वालों के लिए 1000 कानून है, अपराध ना करने के लिए पता नहीं क्या किस दिन कौन से कानून बनेंगे, तब जाकर के उस हैदराबाद में जो एनकाउंटर हो जाते हैं उसके साथ पूरा देश खड़ा हो जाता है। क्या कहने, 39 साल लग जाते हैं फूलन देवी के द्वारा किया हुआ हत्याकांड, उसका अभी तक परिणाम नहीं आया। जिनने किया वो सब निकल लिए। अब सुनना, कविता सुनाता हूं। अच्छी कविता कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है। क्या बढ़िया कविता यार। कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। यह है कविता। मैं प्रणाम। क्या कहने, ये माहौल चाहिए। क्या कहने, सुनिए, ये माहौल चाहिए। हाय हाय। बस यही माहौल चाहिए। सुनना, ये 4 मिनट मेरे हो जाओ, जिंदगी भर नहीं भूलने दूंगा, याद रखना। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है। वासुदेव जिंदाबाद। अभी शाख पर कोपल फूटी, अभी नोच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई, आई कैसी बेहयाई। कमाल लिखा। कैसी, मेरी दो बहनें बैठी हैं हिजाब पहने हुए,
हमने क्या कर लिया, बेटियों के धर्म बना लिए, बेटियों के धर्म, बेटियों के मजहब बना लिए। सुनना कि पंखुरियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं, शबनम की बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए हैं, पुरवाई से शाख हिले तो दिल पत्तों के कांपे, जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं, जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं, कौन करेगा बोलो उजड़े गुलशन की भरपाई, आई कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई। सुनना कि जहां बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते, नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते, नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते, जहां कृष्ण भी चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते, अपमानित करने वालों के वंश जहां मिट जाते, अरे वहां दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई, आई कैसी बेहयाई, आई हाय। सुदीप जिंदाबाद, जिंदाबाद यार, क्या लिखा है तूने प्यारे, वाह वाह वाह, कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई। समापन करता हूँ अपने काव्य पाठ का, क्या बात, सुनिएगा अंतिम पंक्ति, क्या कहने, आखिरी यंत्र सुन लेना, और खास तौर पे वो सुने जिनकी अपनी बेटियां हैं। लोग कहते हैं डर लगता है, डर हमें लगता है जब हमारी बेटियां घर से बाहर जाती हैं तो हमें डर लगता है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, पैजनिया उस पायल को कहते हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियां, 2 महीने 4 महीने की बच्चियों की पैर में छोटी सी पैजनिया होती है, उसको पैजनिया कहते हैं, वो पायल को पैजनिया। सुनना भैया, दो मिनट मैं समापन करता हूँ, सुनना, कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई। जब माँ मीरा ने सुना के मीरा बाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बेटा प्लीज कोई बात नहीं, बेटी है उसकी टोटली भाषा में वो क्या बोल रही मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बच्ची मुझे आशीर्वाद दे रही है। के मी, जब माँ मीरा ने सुना, मीरा बाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, तन्हाई में फफक रही बिस्मिल्ला की शहनाई। एक पंक्ति जीवन भर भूलने नहीं दूंगा, जो बेटियों के पिता और माए बैठे हैं सुन लेना, और सुनने की हिम्मत करना, मैंने लिखने की कोशिश कर दी कि मीरा बाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, तन्हाई में फफक रही बिस्मिल्ला की शहनाई, बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। क्या बात है, क्या बात है सुदीप, जिंदाबाद, वाह वाह, डर कर बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई, अरे टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई, और जो जन्मी भी नहीं अभी तक वो बिटिया घबराई, आई कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई, आई कैसी। एक निवेदन करता हूं कि आपने देश की हरियाली के लिए बड़ा संकल्प लिया,
गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड किया। मैं चाहता हूं एक बार इन बच्चियों के लिए भी ऐसा ही दुगना इससे बड़ा रिकॉर्ड बनाइए कि हम देश की हर उस बेटी के लिए खड़े हैं जो सड़क पर चल रही होगी। अगर अकेली जा रही है कोई उसके सख्त अपराध हो रहा है, उसके भाई बन के खड़े हो जाना, उसके पिता बन के खड़े हो जाना, उसके हमसाये बन के खड़े हो जाना, लेकिन खड़े जरूर होना क्योंकि एक बिहारी। और ये पटना साहब है, आप कहना बंद करो एक बिहारी सौ पे भारी, क्योंकि आप 1,25,000 पर भारी पड़ने वाले लोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।